हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो टुडे इज़ माय वीडियो इज़ रिलेटेड टू व्हेन जब बच्चों का सारे स्ट्रोक्स क्लियर हो जाते हैं, बच्चे अच्छे से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, लैंडिंग लाइन, ईच एंड एवरी स्ट्रोक्स क्लियरली बनाने लग जाते हैं, तो तब बात आती है कि किस तरह से हम उन्हें मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में राइट करना सिखाएं। तो उसका एक वे होता है कि कौन सा लेटर कब स्टार्ट होगा और उसका जो वे होता है राइट वे कि कहाँ से लेटर की स्टार्टिंग होती है और कहाँ उसका जाके एंड होता है, तो ये प्रॉपर होना ज़रूरी होता है। बिकॉज जैसा मैंने देखा है कि बच्चों को जब हम डॉट्स बनाकर दे देते हैं तो इफ़ वी डोंट टेल टू देम कि बच्चा कहाँ से बनाना है तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। एज लाइक बच्चा सेवन जब बना रहा होता है तो सेवन में डॉट्स तो हमने इस तरह से दिया होता है, बट बच्चा कभी ऐसे बना देता है फिर ऐसे बना देता है, तो डेट इज़ नॉट राइट। सेवन की जो शेपिंग होती है तो यहाँ से स्टार्ट करना होता है तो यहाँ एंड करना होता है, जैसे वन होता है तो वन यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह से फोर होता है तो फोर जब बच्चा लिखता है तो फोर में पहले स्टैंडिंग लाइन होती है, देन स्लिपिंग लाइन होती है, देन फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को क्लियर करवाना कि कौन सा नंबर जो भी आप बना रहे हैं तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा। तो इस से ही रिलेटेड मेरा ये आज का वीडियो है, तो इसे आप देखें। लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप मैथ की बात करते हैं तो मैथ में बच्चे को जब नंबर्स आप करवाते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि फिंगर स्ट्रिप्स के थ्रू आप फर्स्ट करवाएंगे, ट्रेस करवाएंगे फिंगर से, तो वन की शेप उसे पता चलेगी कि वन यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ जाके एंड होता है। द सेकेंड जब टू स्टार्ट करते हैं तो टू यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर सेकेंड लाइन पर ये आकर ये फिनिश हो जाता है। पहले कर्व बनाएंगे बच्चा और देन स्लिपिंग लाइन। ऐसे थ्री की बात करते हैं तो थ्री में फर्स्ट ऊपर वाला कर्व बनता है, देन नीचे वाला कर्व बनता है। द सेम वे फोर की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडिंग लाइन, फिर देन स्लिपिंग लाइन, देन फिर देन अगेन स्टैंडिंग लाइन। सो यहाँ आपको वन टू थ्री भी प्रॉपर मेंशन किया गया है कि वन पे कौन सी लाइन बनेगी, टू पे कौन सी, फिर थ्री पे कौन सी लाइन बनेगी। एज अ सेम जब फाइव बच्चा बनाता है तो फाइव में भी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसे पता होना चाहिए पहले स्टैंडिंग लाइन फिर देन पहले स्लिपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, फिर बच्चा कर्व बनाएगा इस तरह से। तो सी और डी की जो शेप होती है तो उसे पता है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड देन थर्ड, उसे कर्व बनाना है। तो इसी तरह से आगे के नंबर्स की भी शेपिंग होती है द सेम वे। सिलेक्ट फाइव जब हो जाता है तो सिक्स की हम बात करते हैं, तो सिक्स में भी स्टार्टिंग में ऊपर से एक कर्व बनता है, इस तरह से वन कर्व बनते हुए नीचे जाके टू पे ये फिनिश हो जाता है। ऐसे ही द सेम सेवन, फर्स्ट स्लिपिंग लाइन देन स्लैंटिंग लाइन। ऐसे ही जब एट बनता है तो एट में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एट बच्चे पहले ऊपर सर्कल बना देते हैं देन नीचे सर्कल बना देते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। पहले उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे इसमें बताया है वन, फिर टू पे नीचे इस तरह जाता है, फिर थ्री से ऐसे होते हुए फिर ये ऊपर चले जाता है फोर। नाइन, नाइन की शेपिंग का भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं कि पहले स्टैंडिंग लाइन बना देते हैं देन वो कर्व बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले कर्व बनेगा एज अ सी और डी जो कर्व होता है, तो पहले इस तरह से कर्व बनाकर फिर देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये बच्चों का प्रॉपर होना ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग, जब अपन मैथ बच्चे को रीड राइट करवाना सिखा रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न होता है टीचर्स के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी कि कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा। तो ये बच्चे को क्लियर करना ज़रूरी, बताने से पहले पेरेंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर उसे पहले करवाना है देन कौन सा लेटर बाद में करवाना है। तो यहाँ मैंने राइट किया है कि सबसे पहले वन,
देन 7, 4, फिर जब कर्व बच्चा करने लगता है, बनाने लगता है, देन 9, 3, 2 और 5, 6 एंड देन लास्ट में 8 करवाया जाता है। तो ये इसी तरह से चलते हैं। फिर देन आगे के जो होते हैं 1, 0, 10, लास्ट में आप 0 भी बच्चे को करवा सकते हैं, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि 1, 7, 4, 9, 3, 2, 5, 6, 8 फिर 0। तो इस तरह से आप बच्चे को राइट करवाना सिखाइए। राइटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कि ये नहीं कि बच्चा कैसे भी बना रहा है। तो देन 0 की जो शेप होती है वो भी आप बच्चे को क्लियरली मेंशन करें, ओवल या सर्कल। सो इन द वे ये बात करी अपन ने मैथ की। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में कौन से लेटर्स पहले बच्चे को करवाए जाते हैं, कौन से लेटर उसके बाद में करवाए जाएंगे, तो ये भी बच्चे को एक एक क्लियरली आपको बताना होता है। पहले आपको पता होना ज़रूरी है, देन आप बच्चे को करवाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन मिलाकर बनाया जाता है L। तो इसका भी द सेम जैसे मैंने बताया मैथ में, कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, फिर कौन सी लाइन बनती है, देन कौन सी बनती है, ये बच्चे को क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे 1 पर स्टैंडिंग लाइन बनेगी, देन 2 पर स्लिपिंग लाइन बनेगी। द सेम वे फर्स्ट 1 पर टीम जब बनाता है बच्चा, तो स्लिपिंग लाइन, देन 2 पर स्टैंडिंग लाइन। ऐसे ही आई जब बनाएगा तो 1, 2 देन ये 3, इस तरह से। एज द सेम एच बनाएगा बच्चा, तो एच में स्टैंडिंग लाइन, फिर देन स्लिपिंग लाइन, फिर देन वंस अगेन स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से ई, एफ, तो ई की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर देन स्लिपिंग लाइन, फिर देन स्लिपिंग लाइन, देन ये स्लिपिंग लाइन। इसी तरह से एफ, एफ में स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, देन फिर स्लिपिंग लाइन। तो बिकॉज ऑफ ये जो आपके लेटर्स हैं, ये स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से मिलकर बन रहे हैं। एल, आई, टी, ई, एफ, एच, तो ये स्टार्टिंग में बच्चे को आप करवाइए। जब बच्चा ये अच्छे से करने लग जाता है, तो आपका स्लैंटिंग लाइन आप इसमें मिक्स करके एन बच्चे को सिखा सकते हैं। एन में सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाता है सेकंड नंबर पे, और फिर दोबारा से स्टैंडिंग लाइन। तो ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, देन अगेन स्टैंडिंग लाइन। फिर बच्चा के बना सकता है, तो के में भी वही सेम, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्लैंटिंग लाइन बनती है। देन जेड, जेड की बात करें तो जेड में भी पहले स्लिपिंग लाइन, फिर देन स्लैंटिंग लाइन, फिर देन स्लिपिंग लाइन। वाई की बात करें तो वाई में पहले स्लैंटिंग लाइन बनती है, फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन। एक्स में दोनों साइड ही स्लैंटिंग है, 1 स्लैंटिंग और देन सेकेंड स्लैंटिंग। वी में भी दोनों साइड ही स्लैंटिंग होती है, 1 एंड 2। डब्ल्यू में 1, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर 3 पे नीचे आएगा, फिर 4 पे दोबारा ऊपर जाएगा। एम में यहाँ से इस तरह से जाएगा, 1, 2 में नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा 3 में, और फिर नीचे आएगा 4 में। ए में पहले बच्चा स्टैंडिंग लाइन इस तरह से बनाता है, देन वंस अगेन फिर स्लिपिंग लाइन। तो ये स्लैंटिंग और आपका स्लिपिंग इसमें मिक्स है। फिर जब बच्चा ये करने लग जाता है, तो बच्चे को कर्व अपन करवाना स्टार्ट करते हैं। तो कर्व में सबसे पहले सी करवाया जाता है। कर्व एक ही सिंपल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके एंड हो जाता है। अब ओ की बात करते हैं, तो ओ में कम्प्लीटली इस तरह से बच्चा चलता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर इस तरह से राउंड। क्यू में जब इस तरह से राउंड करने के बाद, देन इस तरह से हो जाता है। डी की बात करें तो डी यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से जाके फिर
स्टैंडिंग लाइन, पी में स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व इस तरह से नेक्स्ट, फर्स्ट पे ये बनेगा, सेकंड पे ये बनेगा। बी की बात करें हम तो बी में पहले स्टैंडिंग लाइन बनेगा, देन ऊपर कर्व, फिर देन नेक्स्ट नीचे कर्व, फिर देन अपन आर की बात करें तो आर में पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर वाला कर्व बनेगा और फिर देन स्लैंटिंग लाइन। जी की बात करें तो जी में ऊपर कर्व बनेगा, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये एक एक जो आपका लेटर होता है इसकी शेपिंग होती है प्रॉपर, बच्चे को पता होना चाहिए कि ये शेप किस तरह से बनानी है। सारे ये जितने भी पहले अपन ने स्ट्रोक्स करे तो स्ट्रोक्स से ही सारे आपके ये लेटर्स बनते हैं, तो स्ट्रोक्स बच्चे को क्लियर करवाना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आप ये लेटर्स जब बच्चा स्ट्रोक्स क्लियर कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं आती कि बच्चा ए बी सी डी पूरा लिखे, क्योंकि राइटिंग यहीं से उसकी डेवलप होती है। तो राइटिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर कहाँ से स्टार्ट करेगा और बच्चा कहाँ इसको एंड करेगा। एस एस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए एस जो होता है वो ऑलमोस्ट लास्ट में ही करवाया जाता है। जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करता है बच्चा और देन यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरह से इंग्लिश के लेटर्स बच्चे बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में भी एक एक लेटर का जब बच्चा बनाता है तो उसका मेंशन होता है कि जैसे ए जब बनाएगा बच्चा तो पहले ऊपर वाला कर्व बनाएगा, देन नीचे वाला कर्व बनाएगा, फिर बीच का बनाएगा और देन फिर स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से आ सेम ही होता है, ऊपर मात्रा बनाने के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स ऊपर लाइन बनाई जाती है। तो द सेम वे आगे बढ़ते हुए हम ई की शेप इस तरह से होती है, ई में सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर दोबारा कर्व और फिर सबसे ऊपर स्लिपिंग लाइन। बड़ी ई जो बात करते हैं अपन तो उसमें भी सेम होता है, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर देन ऊपर वाला कर्व और फिर स्लिपिंग लाइन। छोटे ऊ में भी सेम ही चलता है, ऊपर कर्व, नीचे कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, ऊपर कर्व, नीचे कर्व, देन पीछे वाला कर्व, नेक्स्ट और फिर स्लिपिंग लाइन। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, क्योंकि यही मिस्टेक बच्चे करते हैं और इसी की वजह से इसकी राइटिंग की प्रॉब्लम बच्चों की आगे तक की हो जाती है। तो एक एक जो वर्ड्स होता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, तो हर लेटर का अपना एक वे होता है बनाने का, तो बच्चे को क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले वन पे बच्चा इस तरह से शेप बनाएगा, फिर देन उसका सेकंड पे यहाँ जाएगा, फिर स्लिपिंग लाइन, द सेम वे इस तरह से, फिर स्लिपिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन बाद में बनेगी, पहले ऊपर की मात्रा बनेगी। ओ में कर्व, फिर बीच वाला, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर वाला मात्रा, नेक्स्ट अगेन कर्व, कर्व, बीच वाली लाइन, फिर देन पीछे वाली लाइन, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर की मात्रा और देन लास्ट में ऊपर की स्लिपिंग लाइन जो होती है। इसी तरह से अह, अने और अह। तो ये तरीका था जो कि मैंने इसमें अपने वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से बच्चे को क्लियर करें कि कौन सा लेटर कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाके उसका एंड होता है। तो एक एक वर्ड्स का मैंने इसमें प्रॉपरली बताया है कि कहाँ से कहाँ जाकर आप इसे एंड करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करें कि प्रॉपरली कि किस तरह से आप बच्चे को क्लियरली करवा सकते हैं कि एक लेटर की शेपिंग सही प्रॉपर वे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए।
ओके, हैव अ ग्रेट डे, ओम शांति।